This video is brought to you by BnW Collections, your one-stop shop for cameras and accessories. Do visit our website www.bnwcollections.com. Assalamu alaikum dosto, mera naam hai Junaid Qureshi aur aaj hum aapke liye laaye hain 7 artisan lens jo Sony APS-C mirrorless cameras ke liye hai. This is 12mm wide angle lens aur manual lens hai ye. To aaye isko pehle unbox karte hain, fir kuch pictures isse lete hain aur dekhte hain ki hamara result kaisa hai aur ye lens kitna acha hai. So without any further ado, let's start. तो ये है जी 7 आर्टिसन की पैकेजिंग. लुक्स वेरी नाइस ब्लैक और विथ शाइनिंग एवरीथिंग ऑन इट. नीचे इसके लेंस की पिक्चर है एंड देन सम पिक्चर. चलें इसको काटते हैं और आगे बढ़ते हैं. सम वारंटी समथिंग नाइस फ्रंट स्टिकर. ये इसकी छोटी सी बुकलेट है और इंग्लिश एंड चाइनीज. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ताकि किसी किस्म का शॉक जो है वो इसको ख़राब ना करे. ओह इट्स वेरी हैवी. It's quite heavy and very tiny. It looks really very good. Whoa, look at this. 12mm f2.8 7 artisan wide lens. तो अब हम इसको अपने कैमरे पे लगाते हैं और इसको फील्ड में लेके जाते हैं, कुछ पिक्चर्स लेते हैं और फिर वो स्क्रीन आपसे शेयर करते हैं. तो अनबॉक्सिंग वीडियो आपने देख ली. लेंस का साइज़ आपको नज़र आ रहा होगा कि हाउ टाइनी इट इज़. ये इसके फोकस रिंग और इसके अपर्चर रिंग हैं क्योंकि मैनुअल लेंस है. और ये इसका एलिमेंट है, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है ये. इसका ये जो हुड है, ये हुड इसका फिक्स है एंड इट्स ऑल मेटल कंस्ट्रक्शन. इवन ये कवर तक मेटल का है. कंस्ट्रक्शन वाइज इट लुक्स रियली रियली वेरी गुड. ये रिंग भी इसका मेटल का है और विदाउट लेंस हुड, सॉरी, ये इतना टाइनी लेंस है. और एक छोटा सा कंपेरिजन आपको करवाते हैं. सिग्मा 16mm f1.4 लेंस है. दिस इज़ f2.8 और उसका साइज़ देख सकते हैं और आप इसका साइज़ देख सकते हैं. ये कितना छोटा लेंस है इसके मुकाबले में. इन दोनों के फ्रंट एलिमेंट भी आप चेक करें. लेकिन ये ऑब्वियसली ऑटो फोकस है और ये मैनुअल फोकस है, तो काफ़ी सारी चीज़ें अंदर चेंज हो जाती हैं. अब इसको लगाते हैं हम अपने कैमरे के ऊपर और देखते हैं कि सोनी मिररलेस कैमरा के साथ ये कैसा लगता है. काफ़ी टाइट फिट है इसकी. तो ये है जनाब आपका कैमरा विद दिस लेंस. टाइनी बॉडी कैमरा एंड टाइनी लेंस, इट्स अ परफेक्ट बैलेंस. इट्स अ परफेक्ट बैलेंस. मैं आपको ऑब्वियसली वीडियो में नहीं दिखा सकता. अनलेस यू होल्ड इट देन यू विल नो. इसकी एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है जो कि है इसका ये फोकस रिंग, और दूसरा ये कि जब हम इसको कैमरे का फोकस पीकिंग ऑन करते हैं तो वो इसको सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से फोकसिंग इज़ वेरी ईजी. मैं मैनुअल फोकस करना मेरे लिए आसान नहीं है विदाउट दिस थिंग. और एक चीज़ मुझे इसकी थोड़ी मुश्किल लगती है, वो है ये अपर्चर रिंग जो है इसका. ये बहुत ही पतला है और ये बिल्कुल शुरू में है, तो इसको थोड़ा सा मूव करना एक मुश्किल टास्क लगता है मुझे. बट इट्स नॉट अ डील ब्रेकर, इट्स गुड. तो डिज़ाइन वाइज तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा. इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है. इसका फ्रंट एलिमेंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है. और f2.8 है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइट आपको ये इन करके दे सकता है. लो लाइट एनवायरनमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं. तो आए फिर इसको लेके चलते हैं बाहर फील्ड में, थोड़ी तस्वीरें लेते हैं, इसे थोड़ी सी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ. आई एम नॉट श्योर अबाउट वीडियो क्योंकि मैं मैनुअल फोकस में बिल्कुल नहीं लूँ. मैं इसको इनफाइनाइट पे रख के एक वीडियो बनाता हूँ ताकि जो हमारे दूर के डिस्टेंस की चीज़ें हैं वो फोकस में रहें और एक छोटी सी पता लग जाए कितनी डिस्टॉर्शन है साइडों पर वीडियो में. तो चलें आए फिर पहले वो करते हैं और फिर आते हैं वापस इस वीडियो की तरफ और इसका वर्डिक्ट बताते हैं आपको. तो जनाब ये है पहली पिक्चर जो मैंने अपने स्टूडियो में ली थी और ये मैंने जस्ट जैसे ही इसको अनबॉक्स किया था लेंस को, तो उसके फ़ौरन बाद ली थी. ये मेरे बैकग्राउंड की जो वॉल है उसके आगे जो टेबल है उसके ऊपर मैंने अपना लैपटॉप रखा और उस लैपटॉप की जो है मैंने ये पिक्चर ली. अब इसमें जो फोकस एरिया है वो सारा ये है. आप देख सकते हैं कितना शार्प है. ये जो नाम लिखा हुआ है, ये कीव्स हैं और ये जो पिक्चर है इनसाइड, इट्स वेरी शार्प. इवन ये जो साइड में माइक्रो SD लिखा हुआ है, ये भी बहुत शार्प है. देन साइड्स में जाके ये डिस्टॉर्ट हो जाता है और ऑब्वियसली थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस भी है बिकॉज ऑफ कि ये चीज़ें पीछे हैं और ये आगे है. आप इस स्पीकर को देख सकते हैं कि ये टिल्ट हो रहा है लेफ़्ट की तरफ विद दिस हार्ड ड्राइव एज़ वेल. ये स्पीकर आप देखें कि कितना ये डिस्टॉर्टेड है. लेकिन दिस इज़ कॉमन इन दीज वाइड एंगल लेंसेज. इसके बाद दूसरी पिक्चर पर चलते हैं. ये पिक्चर मैंने निशान पाकिस्तान CVU पर ली थी. अच्छा, ये सारी पिक्चर्स के साथ मैं आपको इनका बिफ़ोर एंड आफ्टर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो. दिस इज़ बिफ़ोर पिक्चर एंड दिस इज़ आफ्टर. बिफ़ोर में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे कितनी डार्क विनियटिंग नज़र आ रही है लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड
बिल्कुल ठीक है इसकी। इसके अंदर अभी ऊपर मैं ये वीडियो भी चला रहा हूँ, आप इसमें देख सकते हैं कि मैं कितने डिस्टेंस पे बैठा हुआ हूँ और किस एंगल से ये पिक्चर ले रहा हूँ। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना वाइडर है एंगल। और ये पिक्चर अब हम चलते हैं इसकी डिटेल में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितना शार्प है सारा ये जो मोटिव बना हुआ है इस स्ट्रक्चर के ऊपर, एंड टू एंड इट्स वेरी शार्प। यहाँ आके यहाँ से थोड़ा सा जिसको कहते हैं आउट ऑफ फोकस, ब्लरी और हिला हुआ लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्टॉर्शन। अब देख सकते हैं ये लोग लेफ़्ट की तरफ लीन कर रहे हैं सारा, सेम विद द लेफ्ट साइड। लेकिन यहाँ तक आप देख सकते हैं पिक्चर कितनी शार्प है, ये देखें आप। यहाँ पे आके इस जगह से ये डिस्टॉर्शन शुरू हो जाती है, बट दिस प्लेस इज़ क्वाइट शार्प एंड दिस। और दूसरा इसमें फ्रिंजिंग भी नहीं आपको नज़र आएगी, पर्पल जो आ जाती है नॉर्मली। नेक्स्ट पिक्चर मैंने इसकी ली थी डॉलमेन मॉल की बिल्डिंग की, इसका बिफ़ोर आफ्टर आपको दिखा देता हूँ। ये इसका बिफ़ोर एंड दिस इज़ आफ्टर। आपको नज़र आ रहा होगा विनियटिंग तो है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना फोकस इसने एक्यूरेट करके और कितनी शार्प पिक्चर दी है। तो ये देखें यहाँ से, ये एक्चुअली यहाँ पे आके ये बेहतर होना शुरू हो जाता है। टिल हेयर हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होती है। ये इसकी दूसरी पिक्चर है जो मैंने वर्टिकल मोड में ली थी। अब इसके ऊपर मैं ये वीडियो चला रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं मैं कितना दूर बैठ के ये पिक्चर ले रहा हूँ और किस एंगल से ले रहा हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये पिक्चर भी जो है आप देख लें, वहीं बैठ के मैंने कोई फोकस, आई डोंट थिंक मैंने इसका दोबारा छेड़ा होगा। ये बाइक यहाँ खड़ी हुई है जो आपने वीडियो में देख ली होगी, दिस इज़ हाउ इट इज़। अच्छा, इसके बाद हम दूसरी जगह पे गए हैं। ये हम ज़रा यहाँ से सनसेट लेना चाह रहे थे, तो आई जस्ट टर्न अराउंड एंड आई सी दिस बहरिया बिल्डिंग। तो मैंने कहा चलो वाइडर एंगल है एंड स्ट्रेट खड़े होके लेते हैं, क्योंकि अब नीचे से जब आप बैठ के लेते हैं पिक्चर तो डिस्टॉर्शन ज़्यादा होती है। स्ट्रेट में डिस्टॉर्शन आपको बहुत कम मिलेगी, इन एजेस पे मिलेगी, लेकिन वो वाली नहीं मिलेगी जिसमें हर बिल्डिंग की जो है वो लाइंस स्टेडी वर्टिकल होने के बजाय वो लेफ़्ट की और राइट की तरफ लीन कर रही हैं, वो काफ़ी कम होता है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा इसके अंदर ये थोड़ा सा शेकी भी है, ये ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज ऑफ माई हैंड्स, मे बी मैंने सही तरह इसको होल्ड नहीं किया। ये पिक्चर लेने का मकसद ये था कि ये सारी चीज़ें जो नीचे पड़ी हैं ये थोड़ी सी डिटेल चेक करने के काम आएंगी। यहाँ पर आप देखें शार्पनेस है, यहाँ पर भी शार्पनेस है, इसके अंदर डिस्टॉर्शन इज़ देयर ऑब्वियसली। अब अगली तस्वीर पर चलते हैं। ये उसका अपोजिट रास्ता है, यहाँ पर सनसेट था, ये क्रेन्स थी, तो वी वॉन्टेड टू टेक दिस सनसेट एंड रिफ्लेक्शन एज वेल। इट डिड अ ग्रेट जॉब। ये बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर, आप देख सकते हैं कि ये इसमें अच्छा, इसने ये एरिया मेरे ख्याल से ज़्यादा फोकस में है। और फिर इसके बाद जो दूसरी तस्वीर है वो है निशान पाकिस्तान के अंदर की। ये डिस्टेंस वगैरह इन तस्वीरों का आपको बखूबी इस पिक्चर का, स्पेशली ये मैं वीडियो पर चला रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस जगह पे बैठा हुआ हूँ और किस एंगल से पिक्चर ले रहा हूँ। अब इस पिक्चर के अंदर एक तो आपको ये चाँद भी नज़र आ रहा है इसके अंदर, जो इतने वाइड एंगल लेंस से मोस्टली नज़र नहीं आता। इट्स वेरी शार्प पिक्चर, ये आप देखें यहाँ पे आपको ये जगह बड़ी शार्प है इसके अंदर। बट दीज टाइप ऑफ पिक्चर्स आर लाइक दिस ऑलवेज। यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ी सी, ये ऐसा लग रहा है जैसे दीवार थोड़ी गिर रही है, ये डिस्टॉर्शन ही है इसकी। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ये जब ब्लू आवर हो गया था तो मैंने फिर ये बैग्स पे होके अंदर से निशान पाकिस्तान के दरवाजे की पिक्चर ली है। द ब्लू स्काई इज़ टू मच ब्लू, ये ऐसा था नहीं। और आई थिंक इसके अंदर हाँ आप देख सकते हैं सैचुरेशन वगैरह कोई हमने नहीं बढ़ाई है, और मे बी यस वाइब्रेंस इसने बढ़ाई हुई है, वो मैं कम कर देता हूँ। वहाँ वाइब्रेंस बढ़ा के सैचुरेशन कम की हुई थी उसने, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा उसके ऊपर से। फिर उसी ब्लू आवर में हमने ये पिक्चर भी ली, आप इसको भी देख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको विनियटिंग नहीं नज़र आ रही होगी, मुझे भी नहीं फील हुई, तो ये है। इसके बाद इसके ऑपोजिट में मैंने एक पिक्चर ली है, वो आप देख सकते हैं। इधर चेंज है थोड़ा सा, क्योंकि सनसेट इस तरफ हुआ था तो यहाँ से ऑरेंज एंड पिंक कलर के साथ फिर ये ब्लू मैच हो रहा है, तो थोड़ी चेंजेस हैं यहाँ पे। बट दीज लाइट्स वर नॉट टील एक्चुअली, दे वर वाइट, लेकिन ये टील आ रही हैं इसके अंदर। बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं लेफ्ट की तरफ लीन कर रही हैं, और ऑब्वियसली जब आप वाइडर एंगल से लेते हैं तो एवरीबडी नोज़ के इट्स अ वाइडर एंगल। ये भी इसका कुछ मेरी नज़र में तो ये अपना ही मज़ा है इस तरह जो ये डिस्टॉर्शन दे रहा होता है। इसके बाद ये तस्वीर बिल्कुल सामने से मैंने ली है, ये जो आपका
आ रही हैं, बिल्डिंग्स दोनों नज़र आ रही हैं। और पता नहीं मैं अगर इसको ज़ूम करूं तो ये नहीं पढ़ा तो नहीं जा रहा ये, क्योंकि थोड़ी हिली भी है, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। फिर मैंने थोड़ा और करीब करके लिया है, दिस पिक्चर लुक्स ब्यूटीफुल टू मी। और ये वहीं से जिसके साथ लॉन है उसकी मैंने पिक्चर ली है, ये बिफोर एंड आफ्टर, गुड रिज़ल्ट। उसके बाद जी हम ये ओशन मॉल चला गया मैं, और ओशन मॉल में मैंने ये पिक्चर ली नीचे से खड़े होके स्ट्रेट ऊपर। आई वांटेड टू सी कि ये मेरे सिंगल फ्रेम में आएगा, एंड इट केम रियली वेरी वेल। आप इसकी शार्पनेस यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये कैसी इसकी सारी ये जो स्ट्रक्चर है, खिड़कियाँ हैं, ये कितनी शार्प क्लियर नज़र आ रही हैं। इवन ये पत्ते, ये भी ये तस्वीर थी ऐसी, और ऑटो पे जाके ये ऐसे सेट हो गई। उसके बाद ये पिक्चर भी इसी की है, इसी तरह बिफ़ोर एंड आफ्टर। ये पिक्चर एक्चुअली बस आपको ये दिखाने के लिए कि एक तो इसका पर्सपेक्टिव क्या बनता है इस लेंस से, और ये लेंस की मतलब पावर कितनी है, ये कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है इस कैमरे पर लग के ये। अब अच्छी नाइट फोटोग्राफी में मैंने आपको दिखाना चाह रहा था कि ये देख लें आप कितना। ये मैंने ऐसी अपनी गाड़ी के ट्रंक के ऊपर रख के इसको, और आई थिंक पता नहीं मैंने, मैं इसको देखता हूँ, शटर 1 सेकंड का जो है ना शटर स्पीड दी थी ताकि मैं ज़रा ये चेक कर सकूँ कि ये कितनी लाइट ट्रेल्स कितनी अच्छी बनाता है, विच इज़ गुड। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ये शार्प पिक्चर नज़र आ रही है, बिल्डिंग की खिड़कियाँ, ये नंबर यू कैन रीड इट वेरी वेल, गाड़ियों के नंबर्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से सेंट्रलाइज पिक्चर है, इसमें डिस्टॉर्शन आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। डिस्टॉर्शन सबसे ज़्यादा तब नज़र आती है जब, जैसे मैंने शुरू की पिक्चर ली है नीचे से बैठ के, जब मैं लूँगा तो वो उसको कंपनसेट करेगा, जैसे तैसे तो बिल्डिंग्स हो जाएंगी। अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होकर ले रहा हूँ तो तब रिज़ल्ट इज़ वेरी गुड वाइडर का। आप देख सकते हैं ये आपको नज़र आ रहा होगा पोल, ये पोल कितना स्ट्रेट है ये, ठीक है। इसमें डिस्टॉर्शन ऊपर जाके आपको थोड़ी सी आती है एजेस के ऊपर, बट सेंटर इज़ गुड। तो अब आएँ आपको कुछ मैंने वीडियोज़ इससे रिकॉर्ड की हैं वो मैं दिखाता हूँ। कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं है, जस्ट वॉन्टेड टू शो यू द रिज़ल्ट विद वीडियो। बहुत अच्छा फोकस नहीं मैं कर सका विदाउट फोकस स्पीकिंग, मैनुअल फोकस मुझसे इतना अच्छा होता नहीं वीडियो में, पिक्चर्स में तो फिर भी हो सकता है। तो आएँ पहले अब हम ज़रा वो वीडियोज़ भी देख लें, उस पर भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ये है एक वीडियो मैंने ऊपर से नीचे लाते हुए फोकस करने की कोशिश की है, इसमें मैंने फ़ोकस को कंट्रोल किया है, करीब जा रहा हूँ थोड़ा सा, ये देखें फोकस करता हुआ जा रहा हूँ, आई अचीव्ड इट क्वाइट वेल। इसमें भी मैंने यही करने की कोशिश की है ताकि घूमता जाऊँ। ये देखें गाड़ी पहले करीब वाली थी फिर दूसरी वाली हुई, यहाँ पे आके मेरा फोकस जो है वो ख़राब हो गया था क्योंकि मैं कर ही नहीं सका, मुझे स्क्रीन में सही तरह नज़र ही नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में बाहर का कर लिया। ये खेल रहे थे तो मैं इनको बस कर रहा था आगे पीछे, ताकि मैं थोड़ा सा वो दूर हो जाता था तो उसको फोकस करता था, ये करीब होता था इसको करता था। जस्ट वॉन्टेड टू सी कि हाउ ईजी इट इज़। देन ये मैं वॉक करता हुआ जा रहा हूँ, ऑब्वियसली आई एम नॉट गुड एट इट, गुड एट स्टेबल वॉक। ये देखें ये मैंने इसको रखा हुआ है, और ये देखें ये मैं इसको फोकस कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं बेहतरीन फोकस हुआ है यहाँ पे, पीछे का ब्लरी हो गया, वहाँ पे फोकस चला गया। मैं फोकस शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था इसके अंदर, जो मैं काफ़ी हद तक अचीव भी कर चुका हूँ। ये देखें ये यहाँ पे आगे फोकस अच्छा हो गया, यहाँ पे अब इधर फोकस चला गया। ये है जी सारी स्टोरी। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। मुझे ये लेंस यूज़ करके बहुत मज़ा आया, इट्स अ वेरी हैंडसम वाइड एंगल लेंस, मैनुअल फोकस जो मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मैं इतनी आसानी से कर सकूंगा, थैंक्स टू फोकस स्पीकिंग, जिसकी वजह से हम ये आसानी से अचीव कर सकते हैं। आई विश ये फोकस स्पीकिंग जो है ये वीडियो में भी चलता होता तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी वीडियो में फोकस करने के लिए, क्योंकि इतनी अच्छी डिटेल जो है वो आपको इस स्क्रीन से नहीं मिलती वाइल शूटिंग। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद अगर आप एक आदत बना लें इसको, आपको पता हो कि यहाँ पे मैं इनफाइनाइट पे हूँ, देन आई एम गेटिंग क्लोज़र टू माय सब्जेक्ट, तो आप इजीली इसको फोकस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ द बेस्ट लेंस टू वॉक अराउंड स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए, आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी के लिए, इनडोर फोटोग्राफी के लिए। अगर आप कोई रियल स्टेट शूट करना चाहते हैं तो आपको पता है कि छोटी जगह को भी बड़ा दिखाने के लिए दिस इज़ द बेस्ट लेंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अस अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इंशाल्लाह फ्यूचर में और भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। और अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। टिल देन पीस।